अभी तक हमने कौन से टॉपिक कवर किए हैं टाइप स्क्रिप्ट में? तो सबसे फर्स्ट हमने किया है वेरिएबल, सेकेंड वन इज डेटा टाइप, थर्ड डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर, फोर्थ स्टेटमेंट, वन इज अ स्टेटमेंट, फिफ्थ अभी रहेगा हमारा फंक्शन, एंड लास्ट वन इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे टॉपिक सेम वैसे ही है जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट में किए थे, बस हम डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस। तो कितने टाइप्स के फंक्शंस आपने किए थे बेसिक जावास्क्रिप्ट में? फर्स्ट वन इज अ सिंपल फंक्शन, सेकेंड अरे पैरामीटराइज्ड फंक्शन, एंड थर्ड इज रिटर्न फंक्शन। ओके, तो हम सिंपल फंक्शन लिखते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि फंक्शन, फंक्शन का जो नेम है वो पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग के अंदर दिस सिंपल फंक्शन। ठीक है, ये हमने किया सिंपल फंक्शन। तो अभी इसमें न्यू क्या रहेगा? लाइक सपोज अगर फंक्शन के थ्रू मुझे एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिखाना होगा तो इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे एडिशन के लिए। तो इस फंक्शन के अंदर सपोज मैं यहाँ पे लेट नम वन या कोई सब्जेक्ट का नाम ले लेती हूँ, जैसे कि लेट मैथ्स कोलन, आपको मेंशन करना है डेटा टाइप उसका नंबर इज इक्वल्स टू जो भी नंबर वैल्यू आप इसमें स्टोर करना चाहते हो, लाइक 45 मैंने लिखा, लेट नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे हम हिंदी, उसका भी डेटा टाइप मेंशन करेंगे, देन वैल्यू मेंशन करना है आपको। अब आपको सपोज इन दोनों का बस टोटल निकालना है तो आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे लेट टोटल करके सपोज, जिसका डेटा टाइप रखेंगे हम नंबर। तो अभी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं इसे, टोटल इज इक्वल्स टू मैथ्स प्लस हिंदी, और इस टोटल को जो है हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे दिखा देते हैं सपोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन, इसे कॉल भी करेंगे हम यहाँ पे इस तरह फन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। तो ये सिंपल फंक्शन है, ऐसे हमने परफॉर्म किया था, बस हमने जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं उसी के साथ उसका डेटा टाइप भी मेंशन किया है। ये हो गया सिंपल फंक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट? पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में हम जब पैरामीटर पास करते हैं, जैसे कि फंक्शन फन वन करके मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पे सपोज, अब यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग में दिस इज पैरामीटराइज्ड फंक्शन इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे भी अगर हमें वैल्यूज पास करनी है, वेरिएबल पास करने हैं, अगर एडिशन ही दिखाना है सपोज मुझे यहाँ पे भी, तो पैरामीटराइज फंक्शन कब बनेगा? जब हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास करते हैं, यानी पैरामीटर पास करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे नम वन और नम टू ऐसे दो वैल्यूज पास करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे नम वन कोलन, इसमें भी हमें मेंशन करना है उसका डेटा टाइप कॉमा, फिर आएगा हमारा नम टू कोलन, और इसका भी डेटा टाइप मेंशन करेंगे हम नंबर। तो हमने यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए हैं फंक्शन क्रिएट करने के टाइम पे। अब इस नम वन और इस नम टू के अंदर वैल्यू कहाँ से भरोगे? तो जहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करते हो कॉलिंग के टाइम पे, यहाँ पे हम वैल्यू भर सकते हैं कि नम वन के अंदर होना चाहिए 20 और नम टू के अंदर होना चाहिए सपोज 30, और यहाँ पे हम एडिशन अगर दिखाना चाहते तो वन मोर वेरिएबल यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, लेट सपोज सम करके हमने एक वेरिएबल तैयार किया लेट सम कोलन नंबर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ नम वन प्लस ये नम टू, और इस सम को जो है हम यहाँ पे प्रिंट करके लेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया है, पैरामीटराइज फंक्शन बनाया है। पैरामीटराइज फंक्शन कैसे बनेगा? पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर हमने पास किए विद देयर डेटा टाइप। उस पैरामीटर के अंदर हमने वैल्यू भरी है फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे 20 और 30। ये नंबर के ऊपर मुझे ऑपरेशन का, एडिशन का, जो मैंने स्टोर किया है इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर, और इस सम को हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये हो गया मेरा पैरामीटराइज फंक्शन। नाउ द लास्ट वन इज रिटर्न फंक्शन। तो रिटर्न फंक्शन बनाने के लिए फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे एक फंक्शन फन टू पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। और यहाँ पे अब ये रिटर्न फंक्शन कब बनेगा? जब ये रिटर्न करेगा कुछ। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखा और लिखा हेलो आई एम रिटर्न फंक्शन, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिटर्न फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूंगी? अगर मैंने सपोज इसी तरह से मैंने कॉल किया, तो देखो कंसोल में तो मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया है ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू मुझे रिटर्न होके कैसे मिलेगी? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न कर रहा है, यानी जो भी रिटर्न कर रहा है, लाइक हेलो आई एम रिटर्न फंक्शन, ये वैल्यू को दिखाने के लिए हमें इसे स्टोर करना पड़ेगा अगेन एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं एक काम करती हूँ कि ये पूरा फंक्शन हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, लाइक लेट, और यहाँ पे वेरिएबल सपोज टू जैसे सैम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंड इज इक्वल्स टू अभी इस सैम नाम के वेरिएबल के अंदर। अभी सैम को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको डेटा टाइप, बिकॉज ये एक फंक्शन है, ना कि कोई नंबर है ना कोई स्ट्रिंग है। ओके, तो आपको डायरेक्टली लिखना है इस तरह से, सैम के अंदर हमने फन टू को रखा है। नाउ यू कैन राइट कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर आप सैम को प्रिंट करोगे, तो ये फंक्शन आपको ये वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो यस मैम। यहाँ तक हमने किया है फंक्शन। थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे, क्लियर है इतना आपको? जी मैम। हाँ मैम। ओके, तो अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं वीएस कोड में। यही कोड जो मैंने यहाँ पे किया है इसे कॉपी करके यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, फंक्शन डॉट ts। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज अवर सिंपल फंक्शन और इसे मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी मैंने कभी यूज किया रहेगा फन नाम का, इसको पूरा कमेंट करते हैं फंक्शन डॉट टीएससी। ओके, तो अभी ये फंक्शन हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसे रन करने के लिए टीएससी फंक्शन डॉट ts और नोड फंक्शन डॉट js। तो ये हो गया प्रिंट आपका फर्स्ट, दिस इज अ सिंपल फंक्शन, इसमें एडिशन करके वैल्यू भी आपको प्रिंट करके दे दी। सेकेंड वन है हमारा पैरामीटराइज फंक्शन, तो इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कॉपी पेस्ट सेव। तो ये पैरामीटराइज फंक्शन भी वर्क किया हमारा, एडिशन हो गया, एंड लास्ट वन है रिटर्न। रिटर्न फंक्शन, जी तो रिटर्न फंक्शन में ये फंक्शन आए सेव टीएसटी। हेलो आई एम रिटर्न फंक्शन। ओके, क्लियर है? ये थ्री टाइप्स फंक्शन के। आप इस रिटर्न फंक्शन के अंदर, इसके अंदर भी आप पैरामीटर पास करके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। जैसे अगर आपको रिटर्न करना है मल्टीप्लिकेशन कुछ वैल्यूज का, तो सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया ए जिसमें नंबर स्टोर किया, मतलब उसका डेटा टाइप नंबर, एक बी लिया हमने। अब इस ए के अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजनी पड़ेगी, 5 और 2 सपोज मैंने भेजा, और अभी मैं रिटर्न क्या करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मुझे रिटर्न करना है ए इंटू बी का जो भी कैलकुलेशन है वो हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं।
है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 5 × 2 10, तो हमें यहाँ पे 10 का वैल्यू प्रिंट करके उसने शो किया। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए क्लियर। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। हाँ मैम।